तो हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आशु में सो so, स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस होल्ड पेट्स एक्चुअली हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइक हाउस होल्ड पेस्ट लाइक कॉकरोच बेड बग्स एंड एंट्स बायोलॉजी एंड एज वेल एज हाउस फ्लाई ओके सो हाउस फ्लाई कॉकरोच बेड बग्स एंड एंट्स के okay, हम इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंट्स एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे इस वाली वीडियो में ओके सो इन नोट्स की आपको है वो पीडीएफ डी डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी ओके okay? तो शुरू करते हैं हाउस होल्ड पेस्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड इट्स बायोलॉजी सो हाउस फ्लाई से हम शुरू करते हैं बाद में कॉकरोच का देखेंगे बेड बग का एंड एंड ओके सो हाउस फ्लाई सो द हाउस होल्ड पेस्ट हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका इज ए कॉमन Household uh, pests that can have a significant economic importance on society. So, housefly are uh, known to transmit uh, various disease such as uh, typhoid, cholera, and uh, dysentery, making them a serious health risk. They can also contaminate food and water source, uh, leading to food poisoning and other illness. Okay. सो so, उस कुछ इस प्रकार की डिजीज टाइफाइड कोलेरा कोलेरा एंड डिहाइड्रेशन लाइक है वो डिजीज है वो देखने को आ, मिल सकती है इनसे इन है वो फैल सकती है ओके और ये है फूड को भी कंटामिनेट कर सकते हैं विद हैवी मेटल्स या फिर आ, बैक्टीरिया से है वो फूड को कंटामिनेट है वो कर सकती है साथ में लाकर ओके सो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की सो मैनेजमेंट इज असेंशियल इन रिड्यूसिंग दियर इकोनॉमिक इम्पैक्ट सो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं अगर मैनेज हमें uh, कैसे करते हैं सो गुड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस ओके इंक्लूडिंग कीपिंग फूड स्टोरेज एंड प्रिपरेशन आर क्लीन प्रिपरेशन एरिया क्लीन हमें है वो रखना होता है रखना चाहिए ओके एंड फिजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें

सो so, उनके ऊपर कौन शिकार करता है हाउस फ्लाई के ऊपर कौन शिकार करता है उन उनका जो नेचुरल एनिमी हम बोलते हैं उनके नेचुरल प्रीडेटर्स ओके okay? सो so, उनका हम है वो यूज कर सकते हैं उनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए हाउस फ्लाई की ओके okay? सो so, ये एक आ, इजी प्रिसाइजली मैनर में है वो हैंड रिटन नोट्स है एंड सेम इसी प्रकार से है, वो हैंडरिटन नोट्स ही है वो मैं आपको टाइप्ड है वो पीपीटी में अब दिखाऊंगा ओके सो so, लेकिन वो सेम हैंड रिटन नोट्स ही के लाइक है टाइप में ही है ओके तो हम यहाँ पे है वो टाइप्ड नोट्स में अब हम पढ़ेंगे तो ये भी है छोटे छोटे नोट्स ही है आप देख सकते हो छोटे छोटे नोट्स समझ में आ जाएंगे इसीलिए ओके सो so, अब हमने हाउस फ्लाई की बात कर ली नेक्स्ट है कॉकरोच कॉकरोच की बात करते हैं सो कॉकरोच बायोलॉजी की अगर बात करें सो कॉकरोचेस आर एन नेचुरल इंसेक्ट्स दैट कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट्स ओके सो अलग अलग इन्वायरमेंट में है वो सर्वाइव है वो कर सकते हैं कॉकरोच ओके सो देट दे आर अट्रैक्ट टू वार्म एंड मॉइस्ट एरिया एंड कैन फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग फूड स्क्रैप्स पेपर एंड इवन ग्लूज ओके सो so, जहाँ पे है वो वार्मर एंड मॉइस्ट एरिया होगा उसकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उधर की तरफ ज़्यादा आएंगे जैसे कि बाथरूम साइड में वो कभी कभी है वो कॉकरोचेज है वो देखने को मिल जाते हैं बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता, होता है मॉइस्च एरिया होता है एंड थोड़ा वार्मर एरिया भी होता है ओके एंड स्क्रैप पेपर एंड ग्लू टाइप के है वो फूड फूड पर है वो खाते हैं एंड देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ़ कॉकरोचेज बट बट द मोस्ट कॉमन वंस फाउंड इन होम्स आर द जर्मन काक्रोच एंड द अमेरिकन काक्रोच ओके जो घरों में देखे जाते हैं वो जर्मन कॉकरोच एंड अमेरिकन काक्रोचेस होते हैं सो so, इनके इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें सो कॉक्रोचेज कैन स्प्रेड डिजीज एंड अ कंटामिनेटेड फूड विच कैन लीड टू इलनेस ओके सो ये हमें सबको पता है सो दे दे कैन ऑल्सो काउज एलर्जिक रिएक्शन इन सम पीपल ओके सो इन एडिसन काक्रोचेज इन्फेक्शंस कैन डैमेज इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड वाल पेपर एंड अदर हाउस हाउस होल्ड आइटम्स ओके सो वायरिंग को है वो कट कर सकते हैं यहाँ पे है वो इनडायरेक्टली है वो ह्यूमन को इकोनॉमिक लॉस ही हो रहा है ओके okay? सो so, इस प्रकार से है वो काम करते हैं एंड मैनेजमेंट अगर हमें इनका वो किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं सो टू मैनेज काक्रोच इन इन्फेस्टेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप योर होम क्लीन एंड एंड फ्री ऑफ फूड स्क्रैप एंड क्रम्पस ओके तो हमें घर को है वो क्लीन रखना है एंड स्क्रैप्स एंड क्रम्स यानी कि जो जैसे कि खाने का खाने का है वो छोड़ा हुआ पार्ट्स जो होते हैं हम फेंक देते हैं ओके okay, जैसे कि फल फ्रूट का है वो अन अं, अनचा छोड़ा हुआ पार्ट है हम इधर उधर फेंक देते बिखरा देते हैं ओके सो वो टुकड़े अनाज के टुकड़े हो गए रोटी के टुकड़े सो तो इस प्रकार से हमें गंदगी नहीं फैलानी है उनको फ्री रखना है ओके okay, घर में नहीं रखना है ऐसे फेंक कर सो तो मैनेजमेंट में हमने बात की And you can also use insecticide baits and and spray to control the population. And it is important to seal up any cracks or gaps in your home's foundation and wall to prevent cockroaches from entering. Okay. So bedbug की बात करें. Next हम bedbugs पे आ गए हैं. And आप देख सकते हो notes है वो एकदम clear, short notes है. ये सारे हैं वो आपको PDF है. वो मिल जाएगी description में, okay? एक ही link में, एक ही notes में. सो so, बायोलॉजी की अगर बेडबग की बात करें सो so, बेडब आर स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट दैट फीड ऑन ब्लड ऑफ ह्यूमन एनिमल ओके सो so, विंगलेस विंगलेस इंसेक्ट होते हैं पहली बात एंड ह्यूमन ब्लड पे फीड करते हैं सो दे आर यूजली फाउंड इन मेटरेस ओके एंड बेडिंग एंड अदर सॉफ्ट सॉफ्ट फर्नीसिंग आइटम्स होते हैं वहाँ पे वो देखने को मिल सकते हैं सो so, बे, बेडबग आर प्राइमरली एक्टिव एक एट नाइट एंड कैन सर्वाइव फॉर मंथ विदाउट फीडिंग ओके सो बिना एक महीने तक भी है वो सर्वाइव कर सकते हैं so, so uh, okay, so है वो इचिंग इिटेटिंग खास खुचली है वो हो सकती है एंड एंड ऑल्सो काउज एनजाटी एंड स्लीप डिस्टर्बन एंड बेडबग इंफेस्टेशन

इंस्पेक्ट योवर बेडिंग एंड फर्नीचर रेगुलरली ओके सो हमारे फर्नीचर को है हमें खुद ही है वो चेक uh, करते रहना पड़ेगा कि वहाँ पर बेडब तो है वो नहीं आ गए हैं ओके सो यू कैन ऑल्सो यूज इंसेक्टीसाइड स्प्रे एंड बेडबर्ग ओके इनकेसमेंट्स एंड टू कंट्रोल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल सर्विस मे बी नेसेसरी फॉर सेवरल इन्फेस्टेशन ओके सो नेक्स्ट अगर एंड की अगर हम बात करें सो एंड्स एंड्स आर सोशल इंसेक्ट दैट लिव इन कॉलोनीज सो दे कैन बी फाउंड इन ए वेराटी ऑफ इन्वायरमेंट्स ओबियसली एंड इंक्लूडिंग इन सॉयल वुड एंड इवन इन इनसाइड होम्स ओके सो एंड्स आर अट्रैक्टेड टू फूड एंड मॉइस्चर एंड दे कैन क्विकली फॉर माई लार्ज कॉलोनी ओके एंड अगर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें सो एंड्स कैन कंटामिनेटेड फूड एंड काउ डैमेज टू होम एंड अदर स्ट्रक्चर सो दे कैन ऑल्सो काउज एलर्जिक रिएक्सन इन इन सम पीपल ओके सो किच किच लोग में है वो चींटियों से भी है वो एलर्जी होती है उनमें है वो खास खुजली है वो ज़्यादा ही हो जाती है आपने देखा होगा रेसेस वगैरह स्किन का है वो लाल पड़ जाना सो so, वो भी है वो एलर्जिक रिएक्शन भी है वो देखी जाती है सो ओके सो हम जैसे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जैसे हम पढ़ रहे हैं कि इन, इनके इंसेक्ट का हमारे ऊपर नुकसान क्या होता है सो so, आप आप सोचोगे कि अगर हम तो नुकसान पढ़ रहे हैं सो so, ये इंपॉर्टेंस में कैसे आ रहे हैं सो ओके सो हमने है वो सिलेबस में है वो पहले भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है ओके जो भी इंसेक्ट है ओके सो so, जो इंसेक्ट है जो कि नुकसान पहुंचा रहा है ह्यूमन बीइंग को सो so वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो पेस्ट के है जो नुकसान या फिर लाभदायक के जो पार्ट जो होते हैं वो सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही है वो पढ़े जाते हैं ओके एंड ऐसे ऐसे इंसेक्ट जो ह्यूमन बींग को नया कोई लाभ पहुँचा रहे हैं नए कोई हानि सो so उनको हम पढ़ते ही नहीं है इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस में ओके सो इसलिए हम इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस में इनको है वो पढ़ते हैं सो so इनके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें सो टू मैनेज एंड इन्फेस्टेशन सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप योर होम क्लीन एंड फ्री ऑफ फूड स्क्रैप्स एंड क्रम्स ओके सो खाने के टुकड़े वगैरह को है वो क्लीन रखना है होम को पूरा क्लीन रखना है कुल मिला के बाद यह है ओवरऑल कंक्लूजन यही है ओके okay, एंड में जो कंक्लूजन है सो यू कैन ऑल्सो यूज इंसेक्टिसाइड बैड्स एंड स्प्रे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सील अप एंड एनी ओके एंड सो ओके सो वही है कॉकरोचेस वाला बिकॉज जो चिंटी वगैरह है वो भी है वो छोटे छोटे छेद में से होकर है वो गेप्स वगैरह में होकर वो घर के अंदर है वो चली आती है ओके सो फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो नया कॉकरोच आएगा नए चिंटी ओके एंट्स एंडस वगैरह नहीं आएंगे ओके okay. सो so, इनका है वो मैनेजमेंट uh, है वो हम सेम रख सकते हैं ओके सो इतना ही था इस वाली वीडियो में हमने बात कर ली है हाउस फ्लाई काक्रोचेज बेड बग एंड्स के सारे के हमने बात कर ली इकोमिक इंपॉर्टेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में जो कि पूरा का पूरा एम के जूलोजी के फोर्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर एंड एग्रीकल्चर में आता ही रहता है सो so, इतना है था इस वाली वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डो नॉट फोर गेट टू सब्सक्राइब ओके बाय